फ्रेंड्स, ये है संडे की शाम का टाइम। डिनर में बनी है खिचड़ी। खिचड़ी के साथ है मिर्च का अचार, प्याज, और इनका ना कॉम्बिनेशन बहुत ही टेस्टी लगता है। खिचड़ी वैसे हमारे फैमिली में सभी को बहुत पसंद है, सभी बहुत खुश होकर खाते हैं। अगर आप अच्छे से छोक वोक लगा के बनाते हैं ना खिचड़ी, वो वाली खिचड़ी की मैं बात कर रही हूँ, ऐसी नहीं जो सिंपल बना देते हैं ना, तो ये मतलब बहुत टेस्टी लगती है। बच्चे भी बड़ा खुश होकर खाते हैं। हम सभी ना एक साथ बैठ कर डिनर कर रहे थे यहाँ पर, और सिया को अगर आप ध्यान दें तो टमाटो कैरेट ना सब निकाल रही थी साइड में, तो मैं उसको टोक रही थी कि अब आप बड़े हो रहे हो, आप खाया करो। क्योंकि मतलब छोटे बच्चों को समझाना फिर भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मतलब उसको मैं इस चीज़ के लिए टोक रही थी। तो बस यहाँ पर हमारे शाम का टाइम इस तरह से डिनर रहा है, और डिनर हल्का इसलिए था क्योंकि जैसे हलवा और लड्डू थे ना, आज ही बने तो सबको एक्साइटमेंट है उन्हें ही ज़्यादा खाने की, तो इसलिए हल्का खाना आज बना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? और आज 11th of January, सुबह का टाइम है अभी। मतलब अभी संडे की दूसरी क्लास होनी है, बीच में ब्रेक है, और मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड करती हूँ। एंड यस, कल जो वीडियो था जिसमें मैंने शेयर किया गाजर का हलवा और गोंद के लड्डू बने हैं, तो उसमें कुछ कमेंट्स ऐसे हैं कि अब आपकी डाइटिंग का क्या होगा। यस, देखो, देख कर मन तो करता है, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो ना, तो मुझे स्पाइसी चीज़ें खाने का बहुत शौक है। कि मतलब अगर स्पाइसी चीज़ें आती हैं तो उस टाइम पर कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी तपस्या हो जाता है मेरे लिए, कि हाँ भाई, ये नहीं खाना है। मीठे को मैं अवॉइड कर सकती हूँ, तो आप ऐसे मत सोचे कि आपकी टाइम मतलब ऐसे नहीं खाऊंगी कि बहुत ज़्यादा खा रहे हैं ना। अब जैसे आज फास्ट है तो आज ले लेंगे थोड़ा गाजर का हलवा, तो इस तरह का इसे रहेगा। मीठा मुझे ज़्यादा वो नहीं करेगा। एंड यस, मैं बहुत जल्दी एक वीडियो आपके लिए स्पेशली बनाऊंगी कि मैं क्या क्या टिप्स, मतलब जो जो चीज़ें मैं करूँगी ना, बहुत ज़्यादा हार्ड मेरा कुछ रूटीन नहीं रहता है, जो जो सिंपल स्टेप्स मैं अपनी लाइफ में चेंज करूँगा वो आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। एक अलग सेपरेट वीडियो आएगा उसके ऊपर। और बस अभी चलते हैं। और हाँ, जैसे ना क्लिनिक की बात चल रही थी ना कि 15th को मे बी ओपनिंग होगी, तो वो मे बी ही रह गया है। 15th का पूरा कंफर्म नहीं है क्योंकि काम नहीं हो रहा है अभी। कुछ कुछ चीज़ें आ रही हैं, कुछ रहती हैं, और एक चीज़ पापा जी लेकर आए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मतलब बाकी चीज़ें जो भी हुई हैं ना क्लिनिक की, वो क्लिनिक में ही हो रही है, घर पे इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन एक चीज़ पापा जी लाए, स्पेशली रखा और दिखाया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब सीरियसली, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उन्हें इतना पता होगा मेरे बारे में, लेकिन ये जब उन्हें दिखाया ना, तो वाकई में ऐसे लगता है कि घर को, पता है, इसे कहते हैं फैमिली। चाहे आप सामने से रिस्पॉन्ड ना करें, चाहे आप सामने से इतना दिखाएं ना, लेकिन आपको एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ पता होता है। तो वो चीज़ देख कर ना मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। और यस, ये पीछे रखा है हमारा फ़ोन, में देख लेती हूँ, चार्ज नहीं है यहाँ पर। ये जो फ़ोन है, ये फ़ोन, इस फ़ोन को सैंडी अपना फ़ोन बताता है। एक्चुअली क्या है, इसमें अगर लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो इस फ़ोन में ऑनलाइन क्लास ले लेता है, या फिर वो गेम खेलता है। बस ये इस काम के लिए है फ़ोन, अदरवाइज़ इसका कोई रोल नहीं है। लेकिन हाँ, इसको चार्ज करने का उसे पूरा याद रहता है। बस ये सही सलामत चल ही रहा है फ़ोन, वरना पता है हमेशा इसके साथ सैंडी लगाएगा तो ज़रूर बहुत ध्यान देता है कि हाँ भाई, मेरे फ़ोन मतलब मुझे गेम खेलना है तो चार्ज होना चाहिए पूरा। लेकिन हाँ, ये ध्यान नहीं देता कि पूरा हो गया तो इसे ऑफ कर दूँ। और मैं अब जल्दी शेयर करती हूँ एक वो चीज़ जो पापा जी लेकर आए। और फ्रेंड्स, आज बन रहा है पास्ता। पास्ता बनवा रहे थे भैया जी। भैया जी को भी ना ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है। पास्ता देखिए, एक तो दो शेप में आता है, कि स्पाइरल वाला है ना, ये वाला फर्स्ट टाइम हमने भी देखा, जो तो स्पाइरल शेप में होता है ना, वो लेके आते थे भैया जी। अब की बार मतलब पैकेट में ये आया था। तो यहाँ पर क्या है, बस इसको हमने पहले बॉयल कर दिया था, दीदी बना रही है यहाँ पर, और टमाटर प्याज का छोंक लगाया है साथ में। क्या है, इसके साथ पास्ता मसाला आता है, तो ऊपर से उसको स्प्रिंकल कर देंगे ओरिगैनो, और मतलब ना इसको और स्पाइसी बना आते हैं दीदी, चिली फ्लेक्स वगैरह डाल देते हैं, क्योंकि भैया जी को स्पाइसी खाना बहुत पसंद है। और आज मंडे है और फास्ट है, जैसे तो पता है क्या, फास्ट वाले दिन ऐसे होता है कि देखो, वैसे तो अंदर से पता होता है नहीं खाना, लेकिन जब ऐसी चीज़ें अपने ही घर में बनती है ना, तो देखकर एक बार को मन कर जाता है कि ओहो, मतलब ऐसा लगता है कि आज क्यों बनना था ये किसी और दिन बन सकता था, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, हम कभी और बनाए। और बस ये जो पास्ता है हमारा ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो चुका है। हाँ, नहीं, स्पाइसेस जल रहे हैं अभी तो ये आज सर्व होगा भैया जी के लिए और सिया के लिए। हम कभी और ट्राई करेंगे। खाऊंगी
तो फ्रेंड्स, जिस चीज़ की मैं बात कर रही थी ना, वो है ये मंदिर। पापा जी इसको लेकर आए हैं क्लिनिक में लगाने के लिए। तो ना बस जस्ट उनका मन हो गया था, बाकी सारी चीज़ें क्लिनिक में जा रही है, लेकिन इसको दिखाने के लिए आए थे कि देखो मोनिका। मतलब उन्होंने मम्मी जी को बताया था कि मोनिका देख लेगी एक बार कि कैसा है। उनको स्पेशली क्या था, जो मूर्ति है ना, स्पेशली मेन चीज़ वो है, क्योंकि देखो मतलब उन्हें पता है, जैसे मैं मंडे के फास्ट भी रखती हूँ, वैसे भी ना जब हम साथ में रहते हैं तो हमारी थोड़ी हैबिट्स पता चल जाती है। तो उनको पता था कि शिव जी का नाम मेरे मुँह से ज़्यादा निकलता है, तो वो मूर्ति स्पेशली और उनका मेन एम वो था। और यहाँ पर साथ में मूंगफली रेबड़ी जो बचे हुए हैं अभी, वो वाले रखे हुए थे टेबल अजी पर। बट धूप लेने आए हाँ। पता नहीं से क्या वो क्या अबे देख तो क्या हुआ वो ये ठीक है। फ्रेंड्स, जो अभी ये रूम देखा ना, ये थोड़ा ही स्टोर रूम टाइप ही है, जो जिसे एक्स्ट्रा का सामान है ना वो हमने रखा हुआ है यहाँ पर। और फ्रेंड्स, मैं फ्रंट कैमरा कर लिया इसलिए आपको मैं दिखलाऊं। और फ्रेंड्स, मुझे धूप इतनी अच्छी नहीं लगती तो मैं छाया में आ गया। अभी फ्रेंड्स दीदी सेट आ गई। और फ्रेंड्स, मैं इस होप में थोड़ा झूल लेता हूँ। मम्मी अभी आ लाओ शबन रखो, बच्चे तो खेलते रहते हैं, नहीं लखो यार ये भी ना। देखो हाथ का हाल कैसा हो गया। और अभी यहाँ हम लोग भी बैठ गए थे, मैं और दीदी और बच्चे भी बैठे हैं। इनके जो टॉयज हैं ना, इनको बस इकट्ठा एक मतलब इन्होंने पॉलीथीन बनाई हुई है उसमें इकट्ठा ले लेके घूमते। आपने ध्यान दिया तो सिया लेकर आए थे, और इनसे आपस में क्या क्या अटैक करते रहते, कैसे कैसे गेम खेलते, बच्चे यही जानते हैं। और आप ध्यान दे रहे हो तो सिया तो इनमें बोर ही हो जाते हैं, क्योंकि सिया बड़ी हो रही है तो उसको ऐसी चीज़ें इतना नहीं मतलब अट्रैक्ट करती हैं। वो मैंने दिखा दिया बड़ी है। जैन जैन्स वो फूट पत क्या है उस तो और स्नैक स्नैक लाइट क्या बना करते हो और चॉकलेट चॉकलेट और बड़ी पुशो हाँ क्या पार्ले जी बिस्कुट पार्ले जी ठीक है। क्या भागो, ये सब चाहिए अन्य को, इतनी सारी चीजें, कितनी सारी चीजें, जब की बर्गर गुलाब जामुन। और बस नीचे जाने से पहले जो कपड़े सुखाए हुए हैं उनको उतार लेते हैं। अब क्या है, धूप ना एक तो कल निकली थी, एक आज निकली है, मतलब ना काफ़ी दिनों के बाद धूप वाला मौसम हुआ है, तो कपड़े हमने बाहर ही डाल दिए हैं सुखाने के लिए। लेकिन सारे नहीं सूखे थे, जैसे मतलब थोड़ा सा मौसम आप समझ सकते हैं विंटर्स में ना कपड़े ढंग से सूखते नहीं हैं, तो जो जो सूख गए उन्हें लेके जाऊंगी। बाकी के जो रह जाते हैं उनको वापस टीन के नीचे हम डाल के जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे वेट करते हैं कि हाँ भाई नेक्स्ट डे तक सूखेंगे। तो बस इस तरह का काम हो रहा है अभी। एंड फ्रेंड्स, नीचे जाने से पहले मैं थोड़ा सा एरिया दिखा देती हूँ जहाँ पर काम हुआ था कल, मतलब हलवाई बैठा था। तो वो ईंट वगैरह ना, आपने ध्यान दिया हमारे छत पर कुछ ईंटें हमेशा रहते हैं, तो ये इसलिए भी रहते हैं, कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है ना घर में अगर, तो ना ईंटों की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे उनको अपना जो चूल्हा होता है वो प्लेस करना होता है, तो इसमें उन्होंने चूल्हा ही प्लेस किया था। क्या है, अलार्म में प्रॉब्लम हो गई है, तो अलार्म ठीक करवा रहे हैं पापा जी। देखिए विंटर की छुट्टियों का असर क्या असर क्या हुआ, ये एडिशन दिए हैं 6 4 + 10 लिख दिया है, एंड नेक्स्ट सब में 7 5 8 15 लिख ऐसे सिखाए मैम ने। हाँ भूल गए भूल गए किसी माइनस के लिए होते हैं। हाँ तो आप भूल गए ना। और कल हैनी का बर्थडे है। हाँ आप एक्साइटेड हो, आप क्या गिफ्ट देने वाले हो उसे? हाँ क्या
खिलौनों में से दे दूंगा। आप तो ये कह रहे थे आप अपना लकी चार्म दे दोगे। लकी चार्म का मतलब नहीं पता है, पूछ रहा था मम्मी वैसे लकी चार्म होता क्या है। यानी को टॉयस हो गई तो टॉयस में से कोई रोटी खिलौने दे दूंगा। अच्छा, क्योंकि क्योंकि असल में तो मैं बाइक चलाता नहीं तो और मुझे कोई दुकान भी नहीं पता। अच्छा, बाइक नहीं चलाते कि किसी दुकान पे भी नहीं जा सकता इसलिए। वरना अगर आप जाते तो क्या लाते? एक अच्छी सी और सुंदर सी, नहीं नहीं नहीं, जो फिंगर्स नीचे कर लो, जो वो कहता क्या? अच्छा, जो वो कहता है। आपने ध्यान नहीं दिया उसने कुछ मांगा है अपने बर्थडे के लिए कल? क्या मांगा है? भूल गए आप, छत पे बैठ के तो मैं सुना ही नहीं। वैसे क्या मांगा? चॉकलेट, जैम्स, स्नैक लाइट। ये तो वो टीचर, ये तो छटके में मिल जाएगा। अच्छा, फिर से नहीं नहाए? आ जाओ आ जाओ। अच्छा, मैं ये सब बातें नहीं कर रही हूँ। सैंडी ने ध्यान नहीं दिया, वरना ना फिर से बोलता है आपने नहलाया नहीं इसलिए मैं नहीं नहाया। इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अच्छा, तो बस हम अपने वीडियो का एंड कर दें, यही से एंड हो जाए। हाँ हाँ, तो फ्रेंड्स बस हम अपने इस व्लॉग का यही एंड करते हैं। पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और व्लॉग्स देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और फ्रेंड्स अब टाइम है कमेंट्स हाईलाइट करने का। तो फर्स्ट कमेंट है स्नेहल जी का, वो कहते हैं कि आप बहुत अच्छी लगती हैं, मैं आपके रोज़ ब्लॉग्स देखती हूँ, प्लीज़ मेरा नाम लीजिए एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू सैंडी। तो थैंक यू स्नेहल जी हमें कमेंट देखने के, हमें कमेंट करने के लिए और हमें इतना सपोर्ट देने के लिए। नेक्स्ट कमेंट है बेबी शमनम जी का। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि इनका भी चैनल है, व्लॉग वीडियो बनाते हैं, बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, तो आप इनको भी सपोर्ट कीजिए। एंड यस, वो कमेंट करती हैं कि उनको भी गाजर का हलवा बहुत पसंद है।